दोस्तों, क्या आपके मन में भी हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है? क्या आप भी अपने मन की शांति खो चुके हैं? कभी सोचा है कि क्यों हम अपने विचारों से जूझते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तब यह और अधिक बेचैन क्यों हो जाता है? तो आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूँ जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक समय की बात है, गाँव में एक साधु रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन में हर समय कई तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मेरे मन के विचार कम हो सके। साधु ने उसे देखा और कहा, मेरे मित्र, तुम रोज ध्यान करना शुरू करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं जो मेरे मन को और भी ज्यादा बेचैन कर देते हैं। तो साधु ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ध्यान के शुरुआती चरण में ऐसा होता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास करते करते धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर कहा, गुरुजी, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझे कोई मंत्र ही दे दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो सके। तो साधु ने सोचा कि यह व्यक्ति इस तरह समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत कर देगा। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, तुम्हें यह मंत्र रोज अकेले बैठकर जपना होगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का रोज जप जरूर करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा तो साधु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मंत्र जपते समय बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो मंत्र बेअसर हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने तो अपने जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वो व्यक्ति वह वहां से चला गया। वह व्यक्ति घर लौटकर खुश हुआ और मंत्र जपने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र जपना शुरू किया, उसे साधु की बात याद आई कि मंत्र जपते समय बंदर के बारे में मत सोचना। साधु की बात याद आते ही उसके मन में बंदरों की तस्वीरें आने लगी। उसने बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह बंदर के बारे में सोचना बंद करना चाहता, उतने ही ज्यादा बंदर उसके मन में आने लगे। कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया। वह सोचने लगा, गुरुजी ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर परेशानी का कारण बनेगा तो उन्होंने इसका जिक्र ही क्यों किया? मेरे मन में कोई और जानवर नहीं आ रहा, बस बंदर ही बंदर है। वह उठा, नहाया, नए कपड़े पहने और फिर से मंत्र जपने के लिए कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर से बंदर दिखाई देने लगे। वे हर जगह थे, जहां भी वह देखता उसे बंदर ही बंदर नजर आते। रात में भी उसे बंदर दिखाई देने लगे, यहां तक कि उसे अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदर दिखने लगे। वह पागल होने लगा था। जितना ज्यादा वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतने ही ज्यादा बंदर उसके मन में आने लगते। सुबह होते होते वह लगभग पागल हो गया। अगले दिन वह भागकर साधु के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया है। ये बंदर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए और मुझे इन बंदरों से मुक्त करिए। तो साधु ने कहा, ठीक है, बस शांत हो जाओ और मंत्र जपना बंद कर दो, कुछ भी मत करो। वह व्यक्ति बैठ गया, आराम किया और मंत्र जपना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसके मन में बंदर का कोई विचार नहीं आ रहा था, सब कुछ सामान्य हो गया था। फिर साधु ने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हें मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक स्प्रिंग की तरह है, जैसे स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओगे वह उतनी ही तेजी से उछलेगा, उसी तरह जितना ज्यादा तुम अपने मन को दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होगा। शांत रहो, अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। और अपने मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है। अगर तुम इस बंदर जैसे मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम इसे रोक नहीं पाओगे।
जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना ही ज्यादा उछलेगा, वैसे ही जितना ज्यादा तुम अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे वे उतने ही ज्यादा तुम्हारे मन में आएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव मन एक दिन में 33,000 से 80,000 विचार उत्पन्न करता है। अगर तुम इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। इसके बजाय हर कोशिश से उसे और ऊर्जा मिलती है, हर प्रयास उसे टालने का ध्यान बन जाता है। जब तुम किसी चीज को टालने की कोशिश करते हो तो तुम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हो। इसीलिए विचारों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखो। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम आम तौर पर अपने विचारों को नहीं देख पाते, लेकिन ध्यान में तुम इसे आसानी से कर सकते हो। इसलिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि तुम अपने मन को देख सको। कुछ लोगों को अनुभव होता है कि जब वे ध्यान शुरू करते हैं तो उनके मन में और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपी हुई पुरानी छवियां उभरने लगती हैं। जैसे अगर तुम अपने घर की सफाई करते हो तो सारा कचरा बाहर आ जाता है, उसी तरह जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है और तुम्हारे मन में ज्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने विचारों को देखो और अपने ध्यान के अभ्यास को जारी रखो। धीरे धीरे जब मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा तब मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा और तुम्हारे मन में कम विचार आने लगेंगे। लंबी प्रैक्टिस के साथ तुम निश्चित रूप से अपने मन पर काबू पा सकोगे। याद रखें, मन को दबाने से वह और भी अशांत हो जाता है, इसलिए उसे नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ध्यान से देखना और स्वीकार करना। ध्यान की शक्ति को समझें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके विचारों को शांत करेगा बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भी लाएगा। जैसे मन के बंदरों से लड़ना बेकार है, वैसे ही जीवन में भी कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन्हें स्वीकार करके ही हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। उस युवक ने साधु की बात समझ ली और उसने नकारात्मक विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें शांत भाव से देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके विचार शांत हो गए और वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सका। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए स्टोरी मोटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।